News 18, India. संदेश खाली का कोहराम थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हालात ये हो गए हैं कि संदेश खाली के पीड़ित टीएमसी नेताओं के घरों और संपत्तियों पर हमले कर रहे हैं। इधर 50 दिन बाद भी शाहजहां शेख गिरफ्तार नहीं हो पाया। हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी का महिला मोर्चा पूरे दिन संदेश खाली जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बंगाल पुलिस ने किसी को भी नहीं जाने दिया। अब खबर आ रही है कि 6 मार्च को पीएम मोदी बंगाल जा सकते हैं। हो सकता है कि वो संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी मिले। इस खबर के आने के बाद से टीएमसी ने आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं कि संदेश खाली में आग बीजेपी लगा रही है। संदेश खाली का शेख कांड फिर भड़की हिंसा। संदेश खाली कांड में एक बार फिर से गदर मचना शुरू हो गया है। एक तरफ संदेश खाली की महिलाएं अपने परिवार वालों के साथ आरोपियों और टीएमसी नेताओं के घर और संपत्तियों पर हमला कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की महिला ब्रिगेड को बंगाल पुलिस ने संदेश खाली जाने से जबरन रोक दिया है। ऐसे हालात में अब संदेश खाली की हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ चुकी है। 16 से ज्यादा दिनों से संदेश खाली का गदर अब और तेज होता जा रहा है। पहले आप जरा ये तस्वीर देखिए। संदेश खाली के बीड़ मजदूर में फिर से गुस्सा और हिंसा भड़क चुकी है। आरोप है कि संदेश खाली के लोगों ने टीएमसी नेता अजित मायती के घर पर हमला किया, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और उसे जमकर पीटा है। आरोप है कि संदेश खाली के लोगों ने उस पर साजिश के तहत हमला किया है। खबरों के मुताबिक टीएमसी नेता अजीत मायती के घर पर हमला करने वाले उन्हें पीटने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा जब मौके पर पहुंची तो महिलाएं पुलिसिया कार्यवाही को लेकर रो पड़ी। इस बीच खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नॉर्थ 24 परगना जिले के 12-7 में सभा करने जा रहे हैं। संदेश खाली में जारी संग्राम के बीच अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि मामले का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां आखिर पुलिस के शिकंजे से बाहर क्यों है। इस बीच वहां पर पिछले 2 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और महिलाओं ने शेख शाहजहां के भाई के मछली फार्म में आग तक लगा दी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 तारीख को यहां पर आएंगे, 12-7 में महिलाओं के साथ एक विशेष सभा करेंगे जिसमें संदेश खाली की महिलाएं भी शामिल होंगी। बीजेपी का मिशन संदेश खाली, बंगाल आ रहे हैं प्रधानमंत्री। संदेश खाली में बशीरहाट पुलिस की जो रवैया है, ये रवैया बायस्ड है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और एंटी डेमोक्रेटिक है। जिस तरीके से 144 इम्पोज किया जा रहा है, बार बार इम्पोज किया जा रहा है और ऐसे प्लान करके इम्पोज किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं घुस पाए, वहाँ पे बाकी सब घुस पाए। संदेश खाली की घटना की जानकारी प्रधानमंत्री को दी है आपने, वो आ कब रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 6 तारीख को, 6 मार्च को वो महिलाओं की एक सभा को संबोधित करेंगे 12-7 पे। कौन करेगा उसको अरेस्ट? अरेस्ट करने का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? तो ईडी का है, केस तो ईडी का है। तो क्या बोल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य के सभापति? संदेश खाली में हिंसा और महिला शोषण के मामले में सीएम ममता बनर्जी जरा भी झुकने को तैयार नहीं है। ममता को लगता है कि संदेश खाली आरएसएस का गढ़ है जहां बंगाल सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। यही वजह है कि बंगाल सरकार ने 8 दिनों में 2 बार बीजेपी के डेलीगेशन को संदेश खाली जाने से रोका है। जरा देखिए आज क्या हुआ। आज संदेश खाली में एक बार फिर से बीजेपी नेताओं की टीम को बंगाल पुलिस ने जबरन रोक दिया। इस टीम में बीजेपी से सांसद लॉकेट चटर्जी मौजूद थी, साथ में बीजेपी से विधायक अग्निमित्र पॉल, बंगाल से बीजेपी के उपाध्यक्ष डॉक्टर मधुचंदा, बंगाल बीजेपी सचिव प्रियंका टेबरेवाल, बंगाल बीजेपी सचिव सोनाली मुर्मू, बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा थी।
लेकिन किसी को भी संदेश खाली नहीं जाने दिया गया। बंगाल पुलिस ने लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले लिया। बीजेपी ने इसे ममता सरकार का अहंकार, तानाशाही और महिला विरोधी मानसिकता बताया है। ये तो संदेश खाली का जो इशू दुबरा पश्चिम बंगाल में जो सत्य है उसको बाहर किया, तो इसमें जो लोग इतना दिनों से वहाँ पे कंट्रोल लिया था, मस्तानी गुंडागिरी किया था, ये लोगों का जुग खत्म होने वाला है। अभी पुलिस खत्म करेंगे, ये महिला लोग खत्म करेंगे, ये देखने का है। क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी का बात बार बार ममता बनर्जी बार बार उठाते हैं, पश्चिम बंगाल में कोई डेमोक्रेसी बोल के कुछ नहीं है। दुख की बात यह है कि वहां की सरकार इस विषय पर अत्यंत असंवेदनशील और अमानवीय, यहां तक कि उल्टा धमकाने वाला रवैया अपना रही है। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी और महिला नेताओं की एक टीम को पुलिस ने आज फिर संदेश खाली जाने से रोक दिया। इसके पहले शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजुमदार दोनों नेताओं को रोक चुके हैं। हालांकि कोर्ट के आदेश लेकर शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंचे जरूर थे, जहां पर महिलाओं ने उनका खूब स्वागत किया। इस बीच कल सुकांत मजुमदार जब संदेश खाली गए और संदेश खाली थाने के सामने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें खींच कर वहां से हटा दिया। वहीं उत्तर 24 परगना की संदेश खाली के छुप खाली में नए सिरे से हंगामा हुआ है। गुस्साए लोगों ने इंसाफ की मांग करते हुए आरोपी फरार टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने हाथों में लाठी डंडे लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने फरार शेख शाहजहां और उसके भाई शेख सिराजुद्दीन के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए भूस की झोपड़ी में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि जलाई गई झोपड़ी शेख सिराज और सिराजुद्दीन की थी। ये घटना इसलिए और अधिक हृदय विदारक है कि ये जो तथाकथित सेकुलर दल हैं, ये तो नहीं बोल रहे, समझ में आता है, क्योंकि इनके लिए महिला का दर्द पहले वोट के तराजू पे तौला जाता है कि कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है, उसके बारे में बोलना है या नहीं बोलना है। और उससे दुखद बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता इस विषय के लिए नौटंकी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो लोग का काम है, दिल्ली से उनको इंस्ट्रक्शन आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहा है, तो तब तक ये संदेश खाली इशू उसको अलाइव रखना है, तो रोज जाना पड़ेगा, प्रोवोक करना पड़ेगा, फोटोशूट करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा, वो ये असाइनमेंट में काम कर रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि 2 महीने से फरार शाहजहां शेख मामले में क्या क्या कार्यवाही हुई है। ईडी ने आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को समन्स भेजे हैं। शाहजहां शेख को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख करीब 2 महीने से फरार। ईडी ने शाहजहां शेख पर मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस दर्ज किया। अनुसूचित जाति आयोग ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बंगाल सरकार को घेरा है। शेख शाहजहां के 2 गुर्गे उत्तम सरदार और शिबू हाजरा पुलिस की गिरफ्त में जरूर हैं, जिन पर महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जमीन कब्जा करने से लेकर के शारीरिक शोषण तक के आरोप लगाए हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस महिलाओं के आंदोलन को 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। उधर ईडी पर जब हमला हुआ था शेख शाहजहां के घर के बाहर, उस घटना को भी लगभग 50 दिन हो चुके हैं। अब तक शेख शाहजहां पकड़ा क्यों नहीं गया? 50 दिन बाद भी तृणमूल नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि एक हाई स्कूल के छात्र को पुलिस की गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस ने बिना किसी कारण हाई स्कूल के छात्रों समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के विरोध में स्थानीय महिलाओं ने पुलिस वैन को रोकने के लिए सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी का महिला प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। संदेश खाली में हंगामा और प्रदर्शन जारी है। अब देखना होगा कि ममता सरकार पीएम मोदी के बंगाल दौरे से पहले इस मामले से किस तरह से निपटती है।